पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल सुरेहा के नेतृत्व में महानगर के समस्त शिव सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर विशाल धरना प्रदर्शन किया और रेल मंत्री का पुतला फूंका। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि कई हजार अवैध वेंडर चलवाने, गोविंद नगर अंडरपास न बनवाने, लोकोशेड पुल का कार्य पूरा न करने, कपूर कंपनी का पुल बंद करने और कई ट्रेनें निरस्त करने तथा समय से संचालन न करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से शिव सैनिकों ने कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रामचंद्र मेहरा, मोहन सिंह, अंकुर अग्रवाल, अंजू राठौर, ममता गुप्ता, टीटू कश्यप, राम अवतार सागर आदि के साथ और भी लोग मौजूद रहे। जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रेल मंत्री का पुतला दहन कर प्रधानमंत्री महोदय को प्रेरित ज्ञापन में रेलवे विभाग में हो रहा भ्रष्टाचार, चल रहे अवैध वेंडरों पर अंकुश लगाने की मांग की है। ज्ञात हो सीनियर डीसीएम मुरादाबाद विवेक शर्मा, पीएमआई कैटरिंग विनीत रंजन, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट कमांडर बीएस यादव, कांस्टेबल सारकार अनुज, पुरुषोत्तम विकास गर्ग आदि आपस में गठजोड़ कर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेनों में कई हजार अवैध वेंडर चलवाते हैं, जिनका कई करोड़ रुपए प्रति माह अवैध वसूली करते हैं। शिव सैनिक पिछले 6 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ तक कि डीआरएम डीएम का पुतला भी फूंक चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूरन शिव सैनिकों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय मुरादाबाद पर रेल मंत्री का पुतला दहन किया है। अगर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं की जाती, आरोपी दंडित नहीं किए जाते, तो शिव सैनिक प्रधानमंत्री का भी पुतला दहन करेंगे।